हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे स्टेरॉइड की। बहुत से जिमों में कोच क्या करते हैं कि जब भी कोई नया क्लाइंट आता है उसको सुजेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि आप स्टेरॉइड का साइकिल स्टार्ट कीजिए अगर आपने जल्दी बॉडी फैट को रिड्यूस करना है या बॉडी को जल्दी शेप में लेके आना है, मसल को अगर जल्दी ग्रो करना है। और ऐसा नहीं कि जिम में सिर्फ कोच ही उनको गाइड करते हैं या सुजेस्ट करते हैं, कई बार क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, वो भी चाहता है कि मुझे बिटवीन 1 to 2 months के बीच में ही अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएं। और उस चक्कर में कोच उनका साइकिल स्टार्ट कर देता है स्टेरॉइड का। और दोस्तों, आपको पता नहीं कि जब आप स्टेरॉइड लेना शुरू करते हैं तो आपकी हेल्थ के ऊपर उसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मैं सभी जिम या सभी कोच की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से कोच जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, एजुकेटेड हैं और उनको पूरा नॉलेज है कि अगर स्टेरॉइड हम कस्टमर को या क्लाइंट को देंगे तो उसके ऊपर क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। वो कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करते हैं या सुजेस्ट नहीं करते हैं। बट अभी भी कुछ ऐसे कोच हैं जो कि इनकम्प्लीट नॉलेज लेके और अनप्रोफेशनल तरीके से अपने क्लाइंट को सुजेस्ट करते हैं स्टेरॉइड लेने के लिए, क्योंकि खुद भी उनको उतना नॉलेज नहीं होता है। वो पीछे जहाँ पर कोचिंग लेके आए हैं वहाँ पर भी उनके कोच ने उनको उतना ही नॉलेज दिया होता है जितना कि वो नॉलेज आगे दे रहे होते हैं। और वो हार्डली 6 से 8 महीने वर्कआउट करके आते हैं थ्रू स्टेरॉइड के, एक अच्छी फिजिक को बना लेते हैं और आगे जाके किसी भी जिम में कोचिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ गाइस, ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे कोचों से बचिए जो कि आपको स्टेरॉइड के लिए बोलते हैं। अवेयर रहिए इन लोगों से और स्टेरॉइड का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि स्टेरॉइड जो है वो आपको हो सकता है बिटवीन 1 to 2 months के बीच में अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर दे, बट उसके बहुत से आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। होता क्या है कि जब स्टेरॉइड लेना शुरू करते हैं आप, तो इससे हार्ट का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज हो सकता है, हार्ट की ब्लॉकेज हो सकती है, हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, लीवर की फंक्शनिंग के ऊपर ये इफ़ेक्ट डालता है, इसके अलावा किडनी की प्रॉब्लम कर सकता है एंड आपका जो नेचर है उसमें चिड़चिड़ापन आ सकता है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं और भी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं गाइस। सो प्लीज़ इसको मत लीजिए, क्योंकि जब आप इसको लेना स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं, आपकी फिजिक अच्छी बन जाती है, अच्छी आपकी बॉडी जो है मस्कुलर हो जाती है और आपको लोग अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है कि जब आप इसके साइकिल को बंद करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपका साइज़ जो है वो कम होने शुरू हो जाता है, और जब वो कम होता है तो आपको एक आदत बन जाती है अप्रिशिएशन की, और उस चक्कर में आप फिर से स्टेरॉइड के साइकिल को स्टार्ट करते हैं और बार बार उसको लॉन्ग टाइम तक लेते रहते हैं, जिससे कि आपकी हेल्थ के ऊपर उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं अच्छी फिजिक बनाना, अच्छे मसल साइज़ को ग्रो करना, तो प्लीज़ वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, आपका हार्डली 6 to 12 months के बीच में अच्छी फिजिक जो है और अच्छा मसल जो है मैच्योर होना शुरू हो जाता है। इंडियन मार्केट में बहुत से सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, वे प्रोटीन है, BCAAs हैं, अगर आप गेनिंग कर रहे हैं तो आप गेनर यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ में आप अपनी डाइट को अच्छा रखिए और इन दोनों को अच्छा रख के आप वर्कआउट कीजिए, तो आपको डेफिनेटली 6 to 12 months के बीच में अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप 6 महीने या 1.5 साल के बाद भी वर्कआउट छोड़ते हैं किसी रीज़न की वजह से और आप आफ्टर 2 months के बाद स्टार्ट करते हैं वर्कआउट, तो आप देखेंगे कि आपको 15 to 20 days के बीच में आपका मसल जो है फिर से शेप में आना शुरू हो जाएगा। तो गाइस प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो स्टेरॉइड है ये पेशेंट के लिए बने हुए हैं, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में चाहे वो टैबलेट में है, ये एक पेशेंट के लिए बने हैं जो कि जिनको कि वीकनेस है इंटरनल या कोई HIV पॉजिटिव है, उनका वेट जो है वो बहुत जल्दी लूज होता है, गिरता है, उस वजह से उनको दिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से एनिमल्स को दिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, और इन्हीं इंजेक्शंस को बहुत से लोग जो हैं बॉडी बिल्डिंग की लाइन में यूज़ कर रहे हैं, एथलीट्स यूज़ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में यूज़ हो रहा है ये। प्लीज़ इसको मत लीजिए, क्योंकि जिनको आप देखते हैं जो कि बॉडी बिल्डर प्रोफेशनल हैं वो एक अच्छे कोच की अंडर गाइडेंस में इस चीज़ को लेते हैं और उनको पता है कि कितना उनको डोज लेना है और किस तरह से इसका साइकिल लेना है और इसकी TCT कब करनी है और कैसे करनी है। बट गाइस, फिर भी अगर स्टेरॉइड कोई लेता है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट जो है उसकी हेल्थ के ऊपर पड़ते ही पड़ते हैं गाइस। सो प्लीज़ इसको मत लीजिए, इसको कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बिना भी अच्छी फिजिक बना लेंगे, बस आप पेशेंस रखिए गाइस।
सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।